जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव भी आई थी, मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट लाइव था वो यूट्यूब पे। मुझे जस्ट देखा कि आप लाइव भी जा सकते हो तो मैं आ गई थी। सोच रही थी पहले वही ये सब बातें बता दूं, लेकिन फिर मुझे उसका कोई सिस्टम नहीं पता है, इसलिए मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आ जाऊंगी तो अब यूट्यूब पे मैं इजीली लाइव आ सकती हूँ। तो आप सब मिल जाइएगा तो लाइव भी मैं स्टार्ट करूंगी यूट्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब आती है सबसे पहली बात कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने अभी 2 दिन पहले आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बना के दिखाया था, लेकिन उसमें मेजरमेंट नहीं लिया था क्योंकि मेजरमेंट में मुझे सच बोलूं ABCD भी नहीं आता सिलाई का, जो सच है मैं बता रही हूँ आपको। ये सारी डिजाइन स्वयं दिमाग में आ रही है, मैंने कभी अपने जीवन में सुई को हाथ नहीं लगाया है। और अब देखिए मैं सिलाई से ये तोड़ रही, जिसमें मैंने 2 सुइयां तोड़ चुका है ऑलरेडी। और सच बताऊं मैं आपको, मेरे पास सिलाई मशीन भी नहीं है क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी सिलाई भी करूंगी या मुझे जरूरत पड़ेगी। और मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिलाई करना मतलब करूं अपने जीवन में, लेकिन मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था सिलाई में, मेरे सर में दर्द होता था। अब देखिए प्रभु की कृपा ऐसी है कि अब वो सिलाई मशीन अभी फिलहाल मैंने पड़ोसी से ली है, क्योंकि मैं ये ट्राई कर रही थी कि मुझे कुछ आता भी है नहीं है सिलना, तो अभी मैंने दूसरी सिलाई मशीन के लिए बोला है कैंटीन से ले लेंगे। तो मैंने कहा पहले आप ट्राई कर लो कि आपको कुछ सिल पाते हो कि नहीं। तो ये मेरी तीसरी ड्रेस है जो मैंने खुद स्टिच किया है बिना मेजरमेंट के। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि इसमें लेस मेरे पास कम थी, जो गोटा जिसको बोलते हैं, तो ये गोटा हम कलरफुल जो है लेके आए हैं। इस कलरफुल गोटे को हमने यहाँ पर भी लगा दिया है इसके बॉर्डर पे, स्कर्ट के बॉर्डर पे, और साथ ही इनकी ये जो चोली है चोली पे भी इस बॉर्डर का इस्तेमाल किया है। तो मैं पास से भी आपको कैमरे को लेकर दिखाऊंगी कि ड्रेस कितनी खूबसूरत और शानदार बनी है। यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं आता तब जाके इतनी सुंदर ड्रेस बनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि काश कि मैंने पहले सिलाई सीख ली होती तो आज ना मैं मतलब डिजाइनर ही होती, नहीं क्योंकि दिमाग में मुझे अपनी ड्रेसेस को लेकर तो बहुत सारे ख्याल आते थे क्योंकि मैं जो भी अपने लिए स्टिच कराती हूँ वो मैं बताकर आती हूँ, स्वयं के डिजाइन्स होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं सिल भी सकती हूँ। बट थैंक यू मेरे लड्डू गोपाल, मेरी राधा रानी की, जिनके कारण आज मैं वो काम कर रही हूँ जो मैंने जीवन में नहीं किया है, सच बता रही हूँ। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। देखिए ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा तो होगा, अब आपको पूरा ब्लॉग भी देखना पड़ेगा, आप कहेंगे बाप रे इतनी सारी बातें सुननी पड़ेगी। देखिए जब आप कोई चीज जानना चाहते हैं तो होता क्या है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी बातें बीच बीच में आ जाती हैं, तो ब्लॉग थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपको लगे कि बाबा दिव्या इतनी बातें कर रही है तो वो तो आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बोलने का सिर्फ मेरे पास ही लाइसेंस है, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ सुन सकते हैं, यहाँ पे बोल नहीं सकते। तो अब आते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जिसकी वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो ये है हमारा सेकंड टॉपिक कि मेरे पास 3 लड्डू गोपाल और 1 राधा रानी कैसे आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप विश्वास करें या ना करें, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कारण क्या है कि बहुत से ऐसे भक्त होते हैं और बहुत से लोगों के ऐसे भाव होते हैं कि वो आपकी भक्ति से रिलेटेड हर बात पर यकीन करते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं चाहती तो ये ब्लॉग पहले भी बना सकती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज की इंस्टाग्राम पे कि मैम आप बताइए कि आपके पास इतने सारे लड्डू गोपाल कैसे आए और आप कैसे इनकी सेवा करती हैं और कैसे कर पाती हैं। ये सच है कि मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहने के कारण भी सेवा बहुत अच्छे से मैं कर पा रही हूँ, ये सब भी इन मेरे लड्डू गोपाल और मेरी राधा रानी के कारण ही है, उन्हीं का आशीर्वाद है जिसके कारण ये हो रहा है। तो ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इस ब्लॉग को ज़रूर एंड तक देखें, आपको पसंद ना आएगा फिर भी देखें आप, शायद हो सकता है कि आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके दिल में उस भाव को जगा उठे, मतलब जगा दे जो भाव आपके भी छिपे हुए हों भक्ति को लेकर। तो ये बात स्टार्ट होती है कि 2019 में मैं पहली बार मेरे लाला को लेकर आई। लाला देखिए सबसे आगे बैठे, ये देखिए मेरी
ये जो है ये हमारे छोटे लाला हैं। इनका नाम भी मैंने तब नहीं रखा था, पहली बार 2019 में मैंने जन्माष्टमी पे इनको लाया, लेकिन सेवा रूप में नहीं लाया, मैं सिर्फ भगवान के रूप में लाई। और क्योंकि जन्माष्टमी पे हमेशा लाला आते हैं और उनको पूजा किया जाता है, व्रत किया जाता है, बहुत सारी चीजें। 2019 में ये हुआ। उसके बाद मैं वीडियोस तो बनाती थी, वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ, वो थोड़ा मेरा कारण था, उसका पर्सनल, उसका ये कारण रहा मेन कि मैं कैंसर से पीड़ित रही हूँ और अपना समय गुजारने के लिए मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और मैं सही भी हो गई, रिकवर हो गई, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। उसके बाद मैंने एक बड़े केशव को देखा था टिकटॉक पे मतलब उनका जो विग्रह था वो काफी बड़ा था, इतना बड़ा विग्रह। और जब मैंने उनको देखा था तो दिल में एक लालसा हुई कि क्या इतने बड़े लाला मेरे पास भी कभी आ सकते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं समझ रही थी कि आप जाओ दुकान से और लाला को लेकर, ये चेष्टा मेरी नहीं थी, मेरी चेष्टा कुछ और ही थी, मेरे भाव कुछ और ही थे कि क्या कभी ऐसा होगा कि वो मेरे पास आ पाएंगे। क्योंकि पैसे तो देखिए आप इकट्ठे कर ही लेते हो, महिलाएं हैं, पति से ले लेंगी, मतलब घर से कर लेंगी, कुछ ना कुछ करके ले ही लेंगी, और आप प्रभु को लेकर भी आओगे, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कभी सेवा कर पाऊंगी। तो लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे मैं बाजार गई और दिमाग में ना ये केशव चलते रहते थे कि केशव क्या मेरे पास आएंगे कभी, और थोड़ा भक्ति में भी ना दिल लगने लगा था। करते करते जन्माष्टमी आ गई और लास्ट ईयर फिर जन्माष्टमी पे हम गए और मैंने ना जाके वहाँ पे पूछा कि आपके पास बड़े केशव हैं क्या, गोरे गोरे वाले? तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, इतने बड़े विग्रह हम यहाँ नहीं रखते हैं, वो आपको वृंदावन से ही मिलेंगे। तो मेरे दिमाग से निकाल दिया कि मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी भगवान को शायद आना नहीं है इसलिए मैंने सोचा ही नहीं। तभी अचानक से इतनी भीड़ थी वहां पर, जन्माष्टमी पे तो आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण, और मंदिर के बाहर मैंने सारी दुकानें देख ली, कहीं पे भी कोई नहीं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने लाला के कपड़े लिए और उनके बहुत सारी चीजें खरीद के मैं चलने लगी। जब मैं वहां से चलने लगी तो अचानक होता क्या है कि अंदर एक शॉप के अंदर, काफी अंदर, क्योंकि एक शॉप का बाहर का एरिया था, एक अंदर का एरिया था, एक अंदर के एरिए में एक झूले पे ये लड्डू जी जो हैं ये झूल रहे थे और बेहद सुंदर लग रहे थे। इन पर पहली निगाह गई और निगाह जाते ही पता नहीं दिल में क्या हुआ, वो मुझे भी नहीं पता, और मैंने उनको बोला भैया को कि भैया प्लीज प्लीज, इतनी भीड़ होने के कारण भी काफी दूर थे, और मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज मुझे वो लड्डू दिखा दीजिए, मुझे वो लड्डू देखने हैं। वो जैसे जैसे लड्डू को ला रहे थे और दिल में एक ही चीज निकल रही थी कि ये लड्डू मेरा है ये लड्डू मेरा है। और देखिए इस प्रकार पहली ही नजर में हमारे लड्डू हमारे घर जन्माष्टमी पर आ गए, जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। कहां मैं केशव जी के बारे में सोचती थी, एक साल से सोच रही थी, नहीं आए, लड्डू हमारे घर आ गए। और लड्डू की मैंने पहली बार सेवा स्टार्ट की और लड्डू की सेवा करते हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। लड्डू के आने के बाद वृंदावन गए हुए भी मुझे काफी समय हो गया था, क्योंकि बीमारी के कारण मैं ज्यादा वृंदावन नहीं जा पाती थी, वैसे एक साल में एक बार चले जाती थी। लड्डू के आने के बाद हम वृंदावन के लिए चले। अब उसके हम 3-4-6 महीने बाद, 3 या 4 महीने बाद हम लोग वृंदावन गए। वृंदावन जाने के बाद बरसाने गए, सब जगह हम घूम कर आए, हमने लड्डू को पूरा वृंदावन घुमाया, बरसाना घुमाया, सब घुमाने के बाद हम बांके बिहारी मंदिर के लिए जा रहे थे। दिमाग में कोई ख्याल नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये केशव का जो चेहरा था वो मेरे दिमाग से कभी निकला नहीं था। तो जाने के बाद वृंदावन, तो वहां पे बहुत सारी लड्डू गोपाल के लिए ना बहुत सारी शॉप है, उन सारी शॉप से जब हम निकले तो ये जो कन्हैया है, इनका नाम मैंने कन्हैया रखा है, तो ये कन्हैया जो है एक बड़ी सी दुकान में बैठे हुए थे और इनके ऊपर काफी सारी धूल भी थी, क्योंकि ये काफी पीछे थे और धूल थी और न जाने ये कब से वहां पर बैठे हुए थे,
इन पर मेरी नजर गई और मेरे देखिए इतना ज्ञान मुझे नहीं है, इतनी सारी चीज मेरे अंदर नहीं है, तो मैंने इनको देखते ही बोला कि आप हो तो बड़े प्यारे, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने इनको बोला सॉरी सॉरी मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे केशव चाहिए गोरे वाले। जितनी बुद्धि उतना आप काम करेंगे, मैं आपको एकदम सत्य वाली बात बता रही हूँ। हम जाते ही बस वहां पे इनको देखा एक ही नजर में, ये गए और हम लोग बांके बिहारी मंदिर चले गए। बांके बिहारी मंदिर जाने के बाद हमने बांके बिहारी जी के बहुत ही अच्छे दिल से उनके दर्शन किए, भगवान ने हमें अच्छे दर्शन दिए, लेकिन आंखें बंद करके मैं बांके बिहारी जी से एक ही चीज बोल रही थी, बांके बिहारी जी प्लीज आप हमारे घर आ जाइए, क्या आप मेरे घर चलोगे? हे कान्हा क्या आप मेरे घर चलोगे? क्या सब बोलते हैं कि बांके बिहारी जी से अगर आप जो बोलते हो वो पूरा हो जाता है, हे बांके बिहारी जी क्या आप मुझसे मेरे घर आज चलोगे, आज चलो ना मेरे घर। मैं ये बातें जो है बार बार उनकी आंखों में देखकर बोले जा रही थी, और पर्दा हट रहा था और पर्दा जा रहा था। अब आप यकीन मानिए मुझे वो भीड़ भी नजर नहीं आ रही थी जिस वक्त ये चीज हो रही थी, मुझे सिर्फ उनकी वो चमकती हुई आंखें दिख रही थी और मैं स्वयं दिख रही थी और मुझे वही दिख रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं उनसे बात कर रही हूँ और वो मेरी हर बात का जवाब दे रहे थे और वो कह रहे थे हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और यही चीज बोलते बोलते मैं बांके बिहारी से हम लोग मतलब कैसे है उस मंदिर से हम बाहर आ गए पता ही नहीं चला। करते करते अब आप एक चीज देखिए, ये कोइंसिडेंस कहिए या क्या कहिए मुझे नहीं पता, अब हर कोई इंसान आप एक साथ जाता है तो इतने सारे पैसे भी अपने साथ लेके नहीं जाता है, वो ये सोच के नहीं जाता कि हमें बहुत सारे पैसे लेके जाने हैं और मतलब हमको कोई चीज लेनी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये सब थे मैंने पहले ही बताया आपको। तो अब हम जो है बांके बिहारी मंदिर से बाहर आ गए हैं और आने के बाद हम एक शॉप में चले जाते हैं और उस शॉप में मेरी मम्मी को लड्डू गोपाल लेने थे तो हम उसमें गए, तो दिल में हृदय में एक चीज थी तो मैंने उनको बोला गोरे वाले लड्डू गोपाल आप दिखा दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है दिखा देते हैं और आप आंखें बंद करिए, और मैंने आंखें बंद कर ली और बोले राधे राधे बोली और आंखें खोली, मैंने राधे राधे बोला और आंखें खोली, जैसे ही मैंने आंखें खोली तो कन्हैया हमारे सामने बैठे हुए थे, पहले इन पर धूल थी मिट्टी थी थोड़ा सा धूल मिट्टी इनके ऊपर थी, उन्होंने हटा दी थी साफ कर दी थी और लड्डू गोपाल ये कन्हैया जी हमारे सामने आके बैठे हुए थे, मतलब मेरे परिवार के सभी सदस्य थे उस समय पे। लेकिन मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ मुझे गोरे वाले लड्डू चाहिए थे, तो मैं कह रही थी कि नहीं नहीं ये तो मैंने देखे थे आप मुझे गोरे वाले लड्डू दे दीजिए, तो वो कहने उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आपको गोरे वाले लड्डू चाहिए, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, तो वो गोरे वाले लड्डू जो है उनके विग्रह मेरे सामने लेकर आने लगे। अब उन्होंने जो है मुझे एक विग्रह दिखाया, दो विग्रह दिखाया, थर्ड विग्रह उन्होंने दिखाया, लेकिन उनका जो स्वरूप था या तो ये समझ लीजिए मेरे दिमाग में इनका स्वरूप भाग गया और वो स्वरूप की जो छवि थी उन्होंने हटा दी और मुझे वो विग्रह पसंद नहीं आए, और इनको मैं बार बार देखे जा रही थी, ऐसे लग रहा था कि ये मुझसे बोल रहे हैं, इतनी मासूम इनकी स्माइल, इतने प्यार से ये मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे जैसे कि मुझे ले चलो घर, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम तो अभी बोल कर आई थी कि तुमको मेरे घर चलो, मैं बांके बिहारी ही तो हूँ, ये मेरे मन से भाव उठने लगे। अब ये समझ लीजिए वो तीन विग्रह देखने के बाद जो भी था, इतना पैसा भी मेरे पास उस समय नहीं था, लेकिन ये कहते हैं ना कि व्यवस्था सब हो जाती है, सारी व्यवस्था उस समय हो गई और इस प्रकार कन्हैया जी हमारे घर आ गए। घर में भी बच्चे मम्मी किसी को ये सपने में भी कोई नहीं सोच रहा था कि मतलब बांके बिहारी जी हमारे घर आएंगे, इस स्वरूप में कभी आएंगे सोचा ही नहीं था। मम्मी घर आके बोलने भी लगी कि तुम्हारे पास ऑलरेडी लड्डू है, लाला है, उनकी सेवा में तुम्हारा पूरा दिन जाता है, अब कन्हैया जी भी तुम ले आई हो, तो मैंने कहा मैं कहाँ लाई हूँ, वो तो स्वयं आए हैं। अब रही बात देखने के लिए, लोग जाते हैं देखते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल हृदय और सारी चीजें स्वयं भी होती चली जाती हैं, हम लाना कुछ चाहते हैं, हम करना कुछ चाहते हैं, आपके बस की बात नहीं होती है। अब देखिए जी, अब दिमाग पूरी तरह स्थिर हो चुका था कि अब हमारे घर में पूर्णता आ चुकी है
और अब जो है इन्हीं की सेवा में मेरा जीवन जाने वाला है। अब हम सेवा कर ही रहे थे, लड्डू गोपाल कन्हैया के लिए हम जो है ड्रेस बना रहे थे क्योंकि हमें बरसाना जाना था होली। और इस प्रकार हमारे घर में बहुत सारे लड्डुओं को दावत दी गई और जब कन्हैया जी आए, और उसका वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था यहाँ पे, सब लड्डू आए, सब बहुत मतलब भाव से बहुत सारे लोग घर पे आए, उनको भोजन वगैरह करा के मतलब मैं बेहद खुश थी। मुझे लग नहीं रहा था मतलब क्या है ये सब। चलिए जी कन्हैया आ गए, अब मैं इनकी ड्रेस बना रही थी, मैं थी, मेरी बेटी, मेरा बेटा भी हमारे साथ हेल्प कर रहा था, और हम बैठे थे घर में, और हमारे पड़ोस में ही एक दीदी रहती है, पंजाबी दीदी। वैसे वो घर आती नहीं है मोस्टली, 6 महीने में 8 महीने में कभी कभार आती है, अचानक से वो घर पे आई शाम के समय, जिस समय मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रही थी वाइट कलर वाली। शायद आप लोगों को याद होगा मैंने एक वाइट ड्रेस बनाई है, खुद ही बनाई है, वो भी इन सब ने सिखाया है जी। तो वो ड्रेस जो है हम बना रहे थे गूगल से। तो वो आती है, अब वो देखती है कि एक तरफ लड्डू बैठे, एक तरफ कन्हैया बैठे, उनको मालूम नहीं था कि कन्हैया भी हमारे घर आ गए। उन्होंने कन्हैया को देखा नहीं, बट जस्ट उन्होंने बोल दिया कि आपकी राधा रानी कहाँ है। तो देखिए दिमाग में आपके कुछ है ही नहीं, आप तो अपने ड्रेस बना रहे हो, और मेरे मुंह से निकल गया कि अरे दीदी लड्डू गोपाल का ही इतना श्रृंगार होता है, उनकी बहुत सेवा की जाती है, तो सोचिए राधा रानी की कितना मतलब उनका श्रृंगार कितना ज्यादा होगा, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे करके बोली। तो दीदी बोली अच्छा मुझे लगा तुम्हारे घर पे राधा है, ऐसे करके। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, हम राधा जी को नहीं ला सकते क्योंकि उनकी सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मुझसे क्योंकि बहुत सेवा चाहिए आप राधा रानी की सेवा करने के लिए। तो ये बात जैसे ही मैंने बोली, दीदी गई हैं, और दीदी के जाने के बाद मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, लिमिट क्रॉस दर्द, और पता नहीं कैसे वो दर्द शुरू हुआ और बहुत तेज दर्द होने लगा। और उस दिन जो है मैंने टैबलेट्स भी खाई लेकिन मेरा दर्द बंद नहीं था। रात हो गई, मैं सो गई, रात को मैंने एक सपना देखा उसी रात को कि मेरी जो बेटी है छोटी खुशी, वो इतनी बड़ी मतलब वो 2.5 साल के करीब, इतनी बड़ी बेटी जो है सपने में मैं देखती हूँ, लेकिन चेहरा मेरी बेटी का नहीं होता है, सिर्फ मुझे ये पता होता है कि ये मेरी बेटी है। और मैं सपना देखती हूँ कि मेरी बेटी जो है, मैं उसको किसी बात पे गुस्सा कर रही हूँ और वो अपना बैग टांग के और एक सड़क पे जा रही है, और सड़क पे जाते जाते वो रोए जा रही है और बोल रही है कि मुझे तुम्हारे पास नहीं आना है, तुम अच्छी नहीं हो, मैं तुम्हारे पास अब बिल्कुल नहीं आऊंगी, और वो रोए जा रही है। मैं भी रो रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है, तो मैं बोल रही हूँ बेटा रुक जाओ, ऐसे मत जाओ, बेटा रुक जाओ, जाते नहीं है, मत जाओ। पीछे मेरी मम्मी भी रो रही है, मतलब मैं सपने में ये चीज देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि अचानक से एक जगह पे वो बच्ची गायब हो जाती है, मीन्स मेरी बेटी, और मैं एक गली में घुस जाती हूँ, और वो गली बहुत ही गांव जैसी गली है, बहुत अलग, मतलब मैं बता नहीं सकती कैसी गली है। मैं एक तरह से अब मैं नंदगांव घूम चुकी हूँ, तो वहीं जैसा आप माहौल समझ लीजिए, इस तरह का गांव का एरिया है जहाँ पे वो मेरी बेटी जो है गुम हो जाती है, वहां पर मैं देखती हूँ रुक्मणी। अब आप कहेंगे रुक्मणी क्या, रुक्मणी नाम की जो है एक मेरे जाने वाली है, मैं उनको नाचते हुए देखती हूँ। अब रुक्मणी मुझे देखी, मैंने कहा पता नहीं ये लेडी क्यों नाचती रहती है, मैं फिर आगे चल देती हूँ। और मैं वहाँ जाके एक बहुत ही बड़ी सी एक औरत होती है, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने मेरी बेटी को जाते हुए देखा है क्या। मैं उनसे जो बातें कर रही होती हूँ, तभी वहाँ पीछे और थोड़ा सा आगे एक बुजुर्ग महिला है जो चूल्हे पर रोटी बना रही है, और वो मुझे इशारा करती है इधर आओ, मैं उसके पास जाती हूँ। ये जो मैं बात बता रही हूँ, ये जो स्टोरी बता रही हूँ, ये सपना चल रहा है। सपने में देखिए, मुझे सपना अभी तक याद है, मैं उसका एक एक पार्ट मुझे याद है, एक एक सीन याद है। तो वो मुझसे कहती है इधर, तो मैं उनके पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो बोली कि मुझे पता है तुम किसको ढूंढ रही हो, तुम अपनी बेटी को ढूंढ रही हो ना, तुम्हारी बेटी हमारे घर पे आई है लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी, अरे वो तुमसे बहुत नाराज है, वो आना चाह रही थी लेकिन अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। मैंने कहा मैं उससे माफी मांग लूंगी लेकिन तुम मेरी बेटी को मेरे सामने लाओ और मैं चेहरा छिपा लेती हूँ, पर तुम मुझे उसके। तो जब हमने वो छोटा स्वरूप देखा तो मैंने मनी मन सोच लिया कि ये राधा रानी प्लीज ये वाला स्वरूप मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ करना, मुझे बहुत सुंदर वाला स्वरूप चाहिए आपका, आपको लेने आई हूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको लेके जाऊंगी। अब देखिए हम बांके बिहारी मंदिर चले गए, वहां से मंदिर से लौट के आ गए।
अब करते करते एक शॉप में हम चले। हमने वहां पे बोला कि मुझे राधा रानी का स्वरूप दिखा दीजिए और उनका बाय नंबर साइज चाहिए। तो उन्होंने मुझे स्वरूप दिखाया, तो मेरी राधा रानी का ये वाला स्वरूप जो है उन्होंने मुझे दिखाया। और मैं तो शॉक हो गई। शॉक भी इसलिए हो गई क्योंकि यही स्वरूप मैंने छोटे में देखा था, सेम यही स्वरूप जो है मुझे बड़े में भी नजर आया। मैंने कहा नहीं नहीं दूसरा आप स्वरूप दिखाइए। मैं फिर दूसरी शॉप पे गई। करते करते 9 बज गए हैं और मैं 10 से 11 शॉप पे, मतलब पूरा वृंदावन मैंने घूम लिया, ये मान लीजिए 10 से 11 शॉप मैंने छान मारी स्वरूप के लिए। पर समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा राधा रानी मैंने तो रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बहुत सुंदर वाला स्वरूप चाहिए जो किसी के पास नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या एक दिमाग में था कि आप, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि बरसाने में है राधा रानी बहुत सुंदर है, मैंने फोटोज देखी आपकी, क्योंकि बच्चे वाले भाव भी थे कुछ दिल में, और मैं चाह रही थी कि मतलब सबसे प्यारी राधा रानी मेरे पास हो। अब ये चीज कर ली। अब एक चीज होती जा रही थी, वो आप सुनिए जरा ध्यान से। वो क्या हो रहा था कि जब राधा रानी को मैंने पहली शॉप पे उनकी न्योछावर पूछी, न्योछावर, तो वहां पर जो उनकी न्योछावर थी वो बहुत ज्यादा थी, ज्यादा, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी न्योछावर क्यों, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था। तो उन्होंने बोला राधा रानी मिलती नहीं है बड़े स्वरूप में, इसलिए इनकी न्योछावर ज्यादा रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं दूसरी दूसरी शॉप पे जा रही थी, छवि यही दिख रही थी, स्वरूप यही दिख रहा था, लेकिन उनकी न्योछावर कम होती जा रही थी। आप समझते जाइए मेरी बात। और ये करते करते 11वीं दुकान पे न्योछावर आधी हो चुकी थी, पूरी आधी। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। 9 बज चुके थे, राधा रानी को प्रॉमिस किया था कि घर लेके जाना है, और यही छवि पूरी पूरे वृंदावन में यही छवि थी पूरे वृंदावन में। अब मैंने मम्मी को बोला आप जाके गाड़ी में बैठो और मैं देख। तो वृंदावन में वो भैया बोले कि देखिए ये तो राधा रानी की लीला है। और मैं भी इस बात को समझ चुकी थी, इतनी न्योछावर से इतनी हो चुकी थी, एक ही स्वरूप आपको हर जगह प्राप्त होना। अब राधा रानी मेरी परीक्षा ले रही थी, जो मैं समझ चुकी थी, मुझे समझ आ गया था। वो कह रही थी कि देख इतनी न्योछावर पर भी तू मुझे नहीं ले पा रही है, मैं तो तेरे साथ जाने के लिए रेडी हूं लेकिन तू स्वरूप को देख रही है। मैं ये बात पूरी तरह समझ चुकी थी जब लास्ट स्वरूप मेरे सामने आया, एक लास्ट शॉप पे, 11वीं शॉप पे, और 9:15 बज रहे थे रात के, मतलब शाम के। और मैंने उनको बोला, लीला इनकी थी दिमाग में, निगाहों में इन्होंने ऐसा भर दिया कि यही स्वरूप मेरे सामने दिख रहा था, था या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने उनको बोला ऐसा करिए आप इनको तैयार कर दीजिए, यही मेरी लाडो है, स्वरूप इनका जो है वो मैं नहीं देख पाई थी, लेकिन अब ये स्वरूप मुझे दुनिया का सबसे सुंदर स्वरूप दिख रहा है, और आप मुझे मेरी ये लाडो दे दो। जैसे ही ये शब्द मैंने उन भैया को बोले, आप यकीन करिए या ना करिए, कोई मौसम ना बारिश का था ना तूफान का ना कोई, वृंदावन में 5 मिनट के लिए इतनी तेज तूफान, मतलब जैसे ही मैंने ये शब्द बोले कि मेरी लाडो को दे दो, मैं समझ गई हूं कि यही दुनिया का सबसे सुंदर स्वरूप है और यही मेरी लाडो है, आंधी के साथ बारिश, इतनी तेज बारिश की, जो दुकान वाले भैया थे उनकी जो बाहर का पंडाल था वो सब उड़ गया था, उनका आधा सामान खराब हो गया था। वो कह रहे कि आज ये हुआ क्या, और लाडो मेरे हाथ में थी उस वक्त। और लेकिन भैया एक चीज बोले कि देखो तुम्हारी लाडो ने स्वयं अपने जाने की तिथि समय जो है वो ले लिया है, और उसने अपना शुभागम भी दे दिया है, और ये बहुत अच्छा साइन है कि बारिश में, कहते हैं कि जब आप पानी, जब कोई चीज नहीं है आपके जीवन में आती है या खुशियां आती है तो उसके शुभकामना के लिए हम पानी डालते हैं अपने घर के कोनों से। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए उन्होंने खुद अपना अभिषेक कर लिया, और जो भी है यकीन मानिए इस तरह मेरी लाडो मुझे मिली। अब इसमें एक और चीज मैं साथ साथ आपको बता दूं, लड्डू गोपाल या राधा रानी को प्राण प्रतिष्ठा करवाने की कोई जरूरत नहीं होती,
मैं तो उसी वक्त समझ गई, जैसे ही लाडो मेरे साथ आई, मेरे गले से लगी। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठी, गाड़ी में बैठने के बाद लाडो हमारी थोड़ा आंखों पे पट्टी, और उन्होंने ऐसे ही करके दिया था उनको। यकीन मानिएगा, यकीन करे ना करे, मैंने पहले ही कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बैठी थी गाड़ी में, हमारे कन्हैया भी थे, लड्डू भी थे, मम्मी थी, मुझे एक आवाज आई, मैया सो जाऊं। मतलब मैं शॉक्ड हो गई, ये आवाज कहाँ से, मतलब मैं ऐसे देख रही थी, मतलब मैं सो जाऊं, क्योंकि लड्डू जो है वो आगे सो रहे थे, आगे वाली सीट पे बेटी की गोद में, और कन्हैया जो है मेरे पास थे, और ये जो लाडो है ये भी एक जगह थोड़ा पैक थी वो, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो पैक करते हैं, बोलते हैं कि घर जाके आप इनकी आंखें खोलिए। मतलब मैं हाथ मेरा उस पे गया, मतलब एक सुकून, मुझे पूरी फीलिंग हुई कि ये बात मेरी लाडो ने बोली कि मैया मैं सो जाऊं क्या। मुझे समझ में आ गया कि उसमें प्राण है, और जो उनकी जो भी था उनका पैकिंग वो मैंने उसी वक्त खोल दिया। उसके बाद 10:30 करीब बज चुका था, भूख भी लगी थी, और 24 मार्च को हम लोग बांके बिहारी बंदे फूलों की होली खेलने के लिए जाते हैं, और उस दिन हम कन्हैया को नहीं लेके जाते हैं। मैंने कहा कन्हैया बेटा आप घर पे रहना, और बच्चे भी घर पे थे, और मैं और मतलब मेरे परिवार के और लोग, हम लोग साथ में चले जाते हैं होली खेलने के लिए। हम लोग जाते हैं साथ में, हमारी लाडो जाती है और हमारे लड्डू जाते हैं। हमने कहा इनको भी वहाँ पे दर्शन करा के लाएंगे दोबारा से, भी ये स्वयं है इनको ही चलिए घुमा के लाते हैं, क्योंकि इनके बिना तो हम जा नहीं सकते। जब हम वहाँ पे गए तो देखिए, हम जब जा रहे थे तो बांके बिहारी मंदिर, तो मुझे केशव दिख गए। ये छवि तो मेरी 1 साल से मेरे दिलो दिमाग में थी, अब ये दिख गए। अब दिखने के बाद इनकी न्योछावर पूछी, तो उन्होंने न्योछावर बहुत बताई, और मैं वहीं शांत हो गई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं, जो सच है मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। और उसके बाद जो है हम लोग बांके बिहारी मंदिर चले गए। मेरे अब वहां से लौटते हुए तो हमको कुछ शॉपिंग करनी थी, कि कुछ इनके लिए ड्रेसेस वगैरह ले लेते हैं, चलो कुछ लेना, कपड़ा वपड़ा ले लेते हैं, कुछ तो लेंगे। मधु निधि वन हम लोग गए, निधि वन वगैरह में हम घूमे वहां पर। अब जहां जहां हम जा रहे थे वहां वहां हमें केशव ही दिख रहे थे, अब और कोई नहीं दिख रहा था, अब केशव ही दिख रहे थे हर जगह पे, हर शॉप पे केशव बैठे हुए थे। और केशव बैठे हुए थे, और मैं जिनकी न्योछावर पूछ रही थी, तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, और मतलब घर के और भी सदस्य थे, तो वो बोले कि नहीं, और न्योछावर तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा सही बात है, लेकिन मैंने उनको एक चीज बोली कि अगर अगर केशव जी जो है मेरे पास, अगर उनको आना है, तो मैंने ऐसी न्योछावर बोली जो शायद कोई इमेजिन नहीं करेगा, बस मैं बताऊंगी भी नहीं क्योंकि उसका भी कुछ कारण है। तो मैंने अपने दिल में बोला कि ये तो सब बोलते कि अगर भगवान को आना होगा तो वो आपके पास इतने में भी आ सकते हैं ना, आपके पास नहीं है तो, मेरे पास था ही नहीं, जो सच है। अब हम घूमते रहे, वृंदावन घूमे, घूमने के बाद अब हमको घर आना था, तो एक शॉप लास्ट में रहती है जहां पर हम गाड़ियां पार्क करते हैं, और वहां पर एक शॉप होती है, वहां पर लास्ट में ये फ्रंट में ही बैठे थे ये केशव जी। पता नहीं क्यों मेरा दिल जो है अंदर से ये हो रहा था कि मैं जो हूँ एक बार इनकी न्योछावर जो है पूछती हूँ। मैंने उनको पूछा कि क्या मैं इनकी न्योछावर आप बताएंगे कितनी है, तो उन्होंने भी उतनी ही बताई जितनी जहां से हम पूछ के आ रहे थे उतनी। तो मैंने कहा अच्छा, तो वहां पर एक लड़का था, तो मैंने उनसे बोला भैया मेरे पास इतने हैं। वैसे मुझे शर्म आ रही थी पूछने में, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल था। मैंने कहा कि मेरे पास इतना है, क्या मुझे केशव मिल जाएंगे क्या। मतलब दिलो दिमाग में केशव छाए हुए थे, और मेरे दिल बोल रहा था कि, क्योंकि मैं जब घर से गई थी तो मुझे ये आभास था एक कि आज कोई हमारे साथ आने वाला है, क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला, मुझे कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं था, मैंने कहा ना पहले। तो अंदर से भाव उठ रहे थे उनको, मैंने गले से लगाया इनको, और बहुत तेज। लेकिन मेरे साथ जो मेरी फैमिली मेंबर थी, आप मेरी मदर और जो थी, उन्होंने मुझसे बोला, मतलब थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा डांटा, मतलब जो सच है मैं वही कहूंगी आपसे,
उन्होंने डांटा, ये क्या तरीका है, तुम्हारे पास लड्डू भी है राधा भी है, अब तुमको केशव भी चाहिए। और ये केशव, केशव नाम मतलब दिलो दिमाग में अपने आप ही ये केशव नाम भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैसे। तो वो बोले कि वो चिल्लाने लगी, मतलब वहीं पे मतलब दुकान में चिल्लाना, मतलब उनका चिल्लाने का भी एक तथ्य था, उनका कहना था कि इतने लड्डू गोपाल की सेवा कर पाना इतना आसान नहीं होता है। और उन्होंने फिर एक चीज बोल दी वहीं पे, ठीक है अगर ये इतनी न्योछावर में उनको दे देते हैं लड्डू गोपाल को, तो मैं मान जाऊंगी कि लड्डू गोपाल जी तुम्हारे पास आना चाहते हैं। और उन्होंने ये बात जब बोली तो मतलब और इनको लड्डू गोपाल को मीन्स केशव को अपनी व्यवस्था स्वयं ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ये वो पता नहीं क्या क्या, वो दुकान में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उनके अपने भाव थे लेकिन सही भाव थे, उनके कोई गलत नहीं कहूंगे मैं, उनके उनके भाव अपनी जगह पे सही थे। उन्होंने कहा कि ऑर्डर की तुम्हारे पास लड्डू है, फिर ये केशव और मेरा उनकी बातों पे मेरा दिल नहीं था और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं रोने लगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और मैंने उस वो जो लड़का था मैंने उससे बोला भैया, तो उन्होंने एक ही चीज बोली, ठीक है तुमने जितना बोला है, अगर इतने में एक रुपया भी अगर ऊपर गया तो ये केशव हमारे घर नहीं आ सकते। ये बात उसने केशव को डांटा, मतलब डांटना भी कैसे कि तुमको लेने के लिए इसने जो है इतने समय जो है इंतजार किया है, तुम नहीं आए और तुमने पहले लड्डू को भेजा, कन्हैया को भेजा, राधा भी आ गई, और अब तुम जो है क्यों आना चाहते हो, अब तुम आना चाहते हो। और इस तरीके से दुकान में ही, और दुकान वाले सब देख रहे थे और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था, लेकिन जो भी था आप यकीन करिएगा ये बात का, और मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको, मुझे सिर्फ रोना आ रहा था, इसके सिवा कुछ आ ही नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये उन्होंने ये भी बोला कि तुम अपनी व्यवस्था खुद करोगे, अपने कपड़े खुद करना, सारी चीजें खुद करना, ये है वो है पता है क्या। अब मुझे हंसी आ रही है। मैंने वो जो लड़का था उसने बोला, मैंने उसको बताया अपना कि देखिए मेरे पास इतना ही है और बाकी आपकी मर्जी। वो लड़का बोला 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं कॉल करना चाहता हूँ। उसने कॉल किया, आप यकीन करिएगा, अनबिलीवेबल है ये बात। जितनी न्योछावर मैंने जब जा रहे थे, मतलब केशव देखे भी नहीं थे, आदमी सोचेगा भी नहीं कैसे बोलेगा, शर्म से बोल भी नहीं पाएगा, वो मैंने बोली थी क्या केशव आएंगे, जबकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है मेरा कन्हैया और मेरा केशव दोनों सेम हैं, वजन से लेकर मतलब हर चीज में, तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। वो लड़का मुझे बोला हाँ दीदी आप लेके जा सकते हो। ओ माय गॉड, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने जल्दी से केशव को इतना प्यार किया, गले से लगाया, और यकीन मानिएगा क्योंकि पैसे उतने ही थे, मैं बिना वस्त्रों के ही केशव को गोद में लेके आई, मतलब गोद में मैंने ले लिया। अब आप एक बात और याद रखिएगा कि जब उनको मैंने गोद में लिया, जो मेरे रिलेटिव थी साथ में मेरे, पीछे से जो शॉप के जो मालिक थे और उनका लड़का था जो आपस में, वो क्या बोल रहे थे वो मैं आपको शब्द बताना चाहती हूँ। उसने बोला कि अरे तुमने इतने लॉस में कैसे दे दिया इसको, मतलब कैसे दे दिया। तो वो बोला अरे जाने, मतलब ब्रज भाषा में बोला उन्होंने, अरे जान दे भैया कछु तो मिलेगा, ये शब्द उसने बोले। ये मेरे कान में आज भी आते हैं और मैं समझ नहीं पाती हूँ इसका मतलब क्या है, कि जान दे भैया जाए कछु तो मिलेगा, मतलब ये शब्द थे वृंदावन में, मतलब कि जबकि कैसे बताऊं मैं आपको, बिना वस्त्रों के मेरे लड्डू में रास्ते में खुश होके और लड्डू को गोद में उठाए और चली जा रही हूँ गाड़ी के पास, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सब देख रहे थे लड्डू को ऐसे ही उनको बिना वस्त्रों के लिए जा रही हूँ, और खुशी मतलब अलग थी जो मेरे चेहरे पे दिख रही थी। जाके मेरे गाड़ी में बिठाया, वहां राधा और लड्डू से मिलाया, मैं इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरा केशव थोड़ा उदास था, क्योंकि खुश तो वो भी था। लेकिन मैं आपको यही चीज बताना चाहती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, मेरे केशव ने मुझे वहीं पे वो चमत्कार दिखा दिया। मैंने जो बोला, मेरे रिलेटिव ने जो बोला, उसने उस बात को वही किया
मतलब एग्जैक्ट, मतलब कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये समझ लीजिए। तो अब आप इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। आज ये सब मेरे पास है तो घर आई, अब घर पे मम्मी मेरे साथ नहीं गई थी तो मम्मी को नहीं पता था कि आज केशव आने वाले हैं, क्योंकि लगातार हमारे साथ 2 महीने से यही हो रहा था, कभी कोई कभी कोई, कुछ ना कुछ, और सारी व्यवस्थाएं भी खुद होती जा रही थी, मैं किसी से कोई हेल्प नहीं ले रही थी। मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे कि मैं मम्मी को नहीं बोल रही थी कुछ भी, और घर के काम भी हो रहे हैं, इनकी सेवा भी हो रही है। केशव आया रात में ही, हम लोग जो है रात के 2 बजे करीब हम लोग घर पे आए, आने के बाद में और हमारा जो केशव है उनका स्वागत किया मेरे मतलब घर में, और करने के बाद